तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं भाइंदर वेस्ट का मार्केट। जी हाँ, आज हम भाइंदर वेस्ट का मार्केट आपको दिखाने वाले हैं और मैं इस ब्रिज से उतरा हूँ और ये ब्रिज से जो है वो मार्केट आज आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और जो सुदामा नगर आता है बाबुलनाथ बिल्डिंग, तो ये देखिए ये भाइंदर वेस्ट की मार्केट है। भाइंदर वेस्ट मार्केट का नज़ारा है। ज़्यादा करके आपको कपड़ों का और ड्रेसेस के मार्केट दिखेंगे। ये दिख रहा है आपको ज़्यादा करके आपको लेडीज़ के, जेंट्स के, ये सब सारे कपड़े के मार्केट दिखेंगे। और दिवाली है तो इसकी वजह से थोड़ा सा भीड़ भीड़ ज़्यादा है दुकानों में। ये देखिए कैसे नाकोड़ा जो साड़ी है देसुरु वाले, तो ये देखिए ये इनके कपड़ों की दुकान है। ये तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। और ये जो ब्रिज लिंक करता है ये मुंशी रोड पर ही है जो ईस्ट और वेस्ट का लिंक करता है। तो ये आज मार्केट में आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने वाला हूँ और ये मार्केट कैसा है कैसी है। तो ये देखिए ये चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा यही है क्योंकि अभी दिवाली है तो उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा क्राउडेड है चीज़ें हैं। तो ये मार्केट आज मैं यहाँ से आपको चलिए सीधा दिखा देता हूँ। ये सीधा ही मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ और सीधा ही दिखा देता हूँ। ये जो रोड है ये जाता है मॉल की तरफ और ये देखिए सड़कों पर इस तरह से यहाँ पे साड़ियाँ बिकती है। सड़कों पर लोग खरीदारी करते हैं, सड़कों पर यहाँ पे सारी चीज़ें बिकती हैं। तो अभी जैसे जैसे समय त्योहारों का पास आता है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ हो जाती है। तो ये देखिए ये सारी दुकान है। ये 60 फीट रोड है और ये 60 फीट रोड का नज़ारा। और ये देखिए ऐसे यहाँ पर सड़कों पर जितनी दुकानें की शॉपिंग हो जाती है उतनी लोग दुकानों में नहीं घुसते हैं और दुकानों में चीज़ें बड़ी कम बिकती हैं। तो ये देखिए ये 150-200 रुपए के लोग कपड़े बेच रहे हैं, 200-150 रुपए की चीज़ें बेच रहे हैं। तो ये देखिए ये पूरे जो दुकानें हैं ये यहाँ पर हैं। तो लोग ज़्यादा करके बाहर भी लगा देते हैं, बाहर भी सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए ये अलग अलग जो दुकानें हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दिवाली की जो शॉपिंग सब कर रहे हैं, दिवाली की जो गर्दियाँ हैं, तो अभी क्या है कि अभी बहुत भीड़ है, इसके वजह से मैं चीज़ें दिख नहीं पा रही। और ये देखिए दिख रहे आपको ये दिवाली के चारों तरफ भीड़ है, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ हमेशा ही रहता है, ऐसे नहीं कि दिवाली है, अलग अलग डेज भी होता है, अलग अलग डेज भी सारी चीज़ें होती है। और ये देखिए ये कैसे एकदम 60 फीट रोड का मार्केट है, ये चारों तरफ का मार्केट आप देख रहे हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पर सड़कों पर ये सारी भीड़ 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 लगी पड़ी है। तो ये देखिए दिख रहा है आपको, तो ये देखिए कितनी गर्दियाँ हैं, इतनी गर्दियाँ हैं आपको क्या बताऊँ मैं, क्योंकि दिवाली है इसके लिए लोग इतनी सारी चीज़ें। दुकानों पर देखिए इतनी कम भीड़ रहती है यहाँ पर, दुकानों पर लोग नहीं जाते। देखिए दुकानों पे इतनी भीड़ नहीं है, दुकानों पे इतनी सारी चीज़ें खाली है, लेकिन सड़कों पर ये देखिए इसी तरह के चीज़ें बेच रहे हैं। तो आगे गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं, तो गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं, गाड़ियों के पीछे मार्केट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कैसे कपड़े बेच रहे हैं। दिख रहा है ये साड़ियाँ, सूट, सलवार, तो देख लिया आपने। ये देखिए कैसे सड़कों पे ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। और ये देखिए सड़कों पे ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। ये 60 फीट रोड का मार्केट है, चारों तरफ उसी साइड ही पूरे एकदम ऐसे पूरे भीड़ लगे पड़े हैं, ये दिख रहा आपको। तो अभी जो बज रहे हैं वो बज रहे हैं 5:05 का ये टाइमिंग हो रही है। देखिए सड़कों पे 100-150 की बैगें मिल जाती, कपड़े हैं वो 100-150-200 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 60 फीट रोड का पूरा मार्केट है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये 60 फीट रोड का मार्केट है और दिख रही है दुकानों में इतनी कम भीड़ है भाई, लेकिन सड़कों पे लोग ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि
रहा है आपको गाड़ियाँ और यहाँ सब भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये दिख रहा है बड़ी बड़ी दुकानें हैं। अभी हम रूट के पास हैं, रूटू है जो वो दुकानें हैं। ये 60 फीट रोड का मार्केट है। ये देखिए लेडी क्वीन और ये अलग 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 चीज़ें हैं, अलग अलग हैं। ये जो 60 फीट रोड का है या और ये वो सारी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें हैं। तो देख रहे हैं आपको ये अलग अलग दुकानें हैं म्यूजिक्स के, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये अलग अलग बड़ी बड़ी दुकानें हैं, शोरूम्स हैं। देख लिया आपने डिफरेंस। मुंबई में ज़्यादा करके लोग सड़कों से शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, स्ट्रीट शॉपिंग मुंबई की बहुत ही ज़्यादा। चाहे मुंबई से आप कहीं पर भी पकड़ लें, स्ट्रीट शॉपिंग बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। दुकानों में इतनी भीड़ नहीं है, दुकानों पर इतनी चीज़ें नहीं हैं। भले इन्होंने 300 का सेल लगा दिया, लेकिन वही सड़कों पर 300 की सेल निकल जाती है। तो एक तरह का मैं सर्वे भी आप लोगों को दिखा दिया हूँ, और सर्वे के हिसाब से मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखा दिया है। एनी जीन 950 में, एनी शर्ट 550 में बेच रहे हैं यहाँ पर, अलग 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 अलग। तो ये 60 फीट रोड का मार्केट है, और 60 फीट रोड मार्केट में मैंने आपको दिखा दिया है। तो ज़्यादा करके जितना भी स्टेशन के करीब होता है वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा निकल जाती है, उतनी ही ज़्यादा चलती हैं। तो ये देख रहे हैं आप, उतनी ही ज़्यादा चलती हैं। तो ये 60 फीट रोड का मार्केट है, और ये 60 फीट रोड की वो सारी चीज़ें हैं। तो बस ऐसे ही यहाँ पे दिख रहा आपको, ये आसपास के भी मार्केट हैं। इतना नहीं आपको दिखेगा, लेकिन जितना उतना आपको अलग जगह पे दिख जाएगा। तो दुकानों को इतनी भीड़ नहीं है जितनी सड़कों पर। लोग सोचते हैं सड़कों पर हमें अच्छा और सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ 60 फीट रोड के एकदम करीब, भाईंदर वेस्ट और नियर जो ICICI बैंक है, पृथ्वी टावर। और ये है, आई होप मुझे देख लीजिए आप। तो ये इतनी सड़कों पर इतनी भीड़ नहीं है जितनी सड़कों पर इतनी भीड़ है जितनी दुकानों पर नहीं है। दुकान खाली पड़े हुए हैं यहाँ पर। चलिए मैं यहीं से चलता हूँ, इन दुकानों से ही आपको दिखा देता हूँ, और इन दुकानों पर दिखा। दिख रहा है इतनी भीड़ दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, लेकिन वही आप रोड पर देख लीजिएगा। ये देखिए, सिर्फ ऐसा छत डालकर ऐसे करके ये दिवाली धमाका ऑफ़र बेच रहे हैं। हाँ, तो ये बस यहीं पे धमाका ऑफ़र चलता है, फिर इसके बाद लोग ख़रीदारी कम कर देते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा भाईंदर वेस्ट मार्केट है, और दिख रहा है आपको। ये देखिए मोहतरमा सिर्फ यहाँ पर ऐसी खड़ी है, बाकी रोड पर कई सारी मोहतरमा हैं, कपड़े लेकर घर पहुँच गए होंगे। तो ये दुकान और मार्केट का हाल है बस, ये वो। तो आप मुझे बताइएगा यहाँ की जो मार्केट है आपको कैसे लगी, आपको क्या समझ में आया, क्या चीज़ें सारी चीज़ें दिखी है। तो ये अलग अलग चीज़ मैंने आपको दिखा दिया है। ये बिजनेसपुर का एक तरह का आप सर्वे देख सकते हैं, एक व्यू देख सकते हैं यहाँ के मार्केट, यहाँ की चीज़ें। रेट बता दूँ, रेट वही है जो आप देखेंगे, बस 5-10 रुपये डिफरेंस होगा, ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो यही सारी चीज़ें हैं, और ये वो सारी चीज़ें हैं। तो हम पहुंच गए राजस्थानी जो राजस्थान भवन है वहाँ पर, और राजस्थान भवन पे ये मिठाइयों की दुकान, और ये वो सारी चीज़ें। कल परसों भी ऐसी भीड़ रहेगी यहाँ पर, ऐसी सारी चीज़ें रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने पूरा बाज़ार दिखा दिया है, जो सुपर हॉस्पिटल है वहाँ पर दिखा दिया है, और यहीं से ही जाया जाता है ईस्ट में, ठीक है। तो ये जो आ गया बैंक, आ गया स्टेट बैंक, यहीं के आसपास की ये सारी चीज़ें हैं। और ये सीधा जो मार्केट है, ये पूरा मार्केट है
भाईंदर वेस्ट का, समझ आ गई। यहाँ पे जो फूल की मालाएं होती है वो साइज के हिसाब से मिलती, कितनी साइज है, जितनी साइज होगी 200 150 300 उसके हिसाब से है। तो ये चाह वाला जबरदस्त यहाँ पर आ गया है, और ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये मार्केट यहीं से ख़त्म होता है, और बस यहाँ से मैं और भी सारी चीज़ें हैं वो जो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप बताइएगा यहाँ तक आपको कैसे लगा, और जो इंग्लिश SL ओवरऑल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है बस यहीं तक हम आ गए, ठीक है। आगे सारा रेसिडेंटल एरिया है, आगे मार्केट है लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। दोस्तों आपको ये कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, शुक्रिया।